ikisini... Sen söylüyor, kimse yok abi, kimse yok. Nasıl bir dere burası ya? Nasıl bir şey burası ya? तुर्की और सीरिया में भूकंप ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। ऐसी तबाही आज से पहले कभी नहीं देखी गई थी। भूकंप की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि ऊंची ऊंची इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढहने लगी और उनमें रह रहे लोग मौत के आगोश में समाते चले गए। भूकंप की रफ्तार इतनी तेज थी कि मानो धरती लोगों को झूला झूला रही हो। मलबे में दबने के बाद जो लोग जीवित बच गए थे, उनके करहाने और चिल्लाने की आवाजें कानों में घुसकर डर और भय पैदा कर रही थी। चारों तरफ अफरा तफरी मची थी। बचाव और राहत दल भी भूकंप से प्रभावित थे। ऐसे में तत्काल मदद पहुंचना और किसी की सहायता कर पाना भी चुनौती था। बचे लोगों को अभी भी डर था कि दोबारा भूकंप आ सकता है, लिहाजा सब सहमे हुए थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। धरती कुछ हिलना कम हुई तो एक दूसरे की मदद को लोग दौड़े। मलबे में बहुत अंदर दबे लोग अपना वीडियो सोशल मीडिया पर जारी कर जान बचाने की गुहार लगाते देखे गए। इसके बाद उन तक भी राहत दलों ने पहुंचने की कोशिश की। भूकंप से मरने वालों की संख्या अभी भी बढ़ने की आशंका है। बचावकर्ता हजारों इमारतों में बचे लोगों को खोजने के लिए काम कर रहे हैं। दुनिया भर के देशों ने बचाव और राहत प्रयासों में मदद के लिए टीमें भेजी हैं। शून्य तापमान और लगभग 200 आफ्टरशॉक्स ने भी जीवित बचे लोगों तक पहुंचने के प्रयासों को कठिन बना दिया है। इससे लोगों को अस्थिर परिदृश्य के बीच में ढूंढना मुश्किल हो गया है।